बस कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट इस सेशन में। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूं। ठीक क्लास, हम यहाँ इससे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं और फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ जो हमने भी पहले डिस्कस किया था, और इसके बाद हमारे पास ये एक प्रिंसिपल आ गया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मेकअप फॉर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, यही हमारे टारगेट्स हैं। हम जब वेट कीजिएगा क्लास, ओके क्लास हम बात कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात हो रही थी अभी,
और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही हमारा पर्पस होता है। हम मेन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। डेफिनेटली इस वक्त मैं उन डिटेल्स की तरफ नहीं जा रहा कि वो सब एथिकल होनी चाहिए हैं, इन एथिकल नहीं होनी चाहिए हैं, वो तो एक अलग बात आ गई। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से अपनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को देखते हुए किस तरह से उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसमें लिखा है द प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाई 1 + EF इनटू MC। अब ये ई एफ और MC आपके पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पे बता देते हैं। बाय द वे, यहाँ से जो कैपिटल पी की बात शुरू हुई है, ये आपके पास प्रॉफिट है। और नीचे लिखा हुआ है वेयर ई एफ इज द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये उसकी अपनी प्राइस इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी क्वांटिटी प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना फर्क आए। अगर हमारे पास प्राइस में कम चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ सकता है, डिमांड कितनी सेंसिटिव है। हमने अगर प्राइस को कम चेंज किया तो क्या डिमांड भी कम चेंज हुई या ज़्यादा चेंज हुई। प्राइस को हमने ज़्यादा चेंज कर दिया, क्या डिमांड कम चेंज हुई या ज़्यादा चेंज हो गई। तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं। अब डेफिनेटली मैं उन डिटेल्स की तरफ भी नहीं जा रहा कि हमारे पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उन पर कम फर्क पड़ता है, और हमारे पास जो लग्जरी आइटम्स होते हैं या जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आमतौर पर। लेकिन हम यहाँ पर मज़ीद देखते हैं। इसके बाद लिखा है एंड MC इज द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट। ये तो हम MC को पहले से ही जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। द टर्म इन ब्रैकेट्स इज द ऑप्टिमल मार्कअप फैक्टर। तो हम आपको पता है कि जब मैथमेटिक्स में हम जब इक्वेशंस को लिखते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या ऐड हो रहे होते हैं। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो इन्होंने बता दिया कि ये हमारे पास ऑप्टिमल मार्कअप फैक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि इस फैक्टर के चेंज होने की वजह से हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट से जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे प्रॉफिट पर उसी तरह से फर्क पड़ेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ई एफ डिवाइडेड बाई 1 + EF है, मतलब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाली वैल्यू, दैट इज द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर है, डिनोमिनेटर थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब हमारे पास आंसर जो है पॉइंट्स में होगा। तो वो किस तरह से पॉइंट्स इफेक्ट करेगा, यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू अगर छोटी होगी तो मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमेरिक वैल्यू से करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपके पास इन्हीं चीज़ों से हमारे पास ये प्रिंसिपल बार बन रहा है, और ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अ मैनेजर शुड नोट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस प्राइसिंग रूल। फर्स्ट, द मोर इलास्टिक द डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट द लोअर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप। ठीक है, फर्स्ट द मोर इलास्टिक द डिमांड, अगर हमारे पास ज्यादा इलास्टिक है डिमांड, मतलब हमारी प्राइस कम चेंज करने से डिमांड पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है या वाइस वर्सा फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट द लोअर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप। जो मार्कअप फैक्टर है ये छोटा होगा, मतलब हमारे पास जितने ही छोटी वैल्यू आएगी उतने ही हमारे मार्कअप पर हमारे प्रॉफिट जो डिमांड है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे प्राइस चेंज करने से डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, जितने ये छोटी वैल्यू आएगी, और छोटी वैल्यू कब आएगी, मैंने जैसा मैं अभी बता रहा था, जो भी वैल्यू न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इस ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वो स्मॉलर आंसर हो जाएगा। जितना स्मॉल होगा उतना हमारे पास ज़्यादा आंसर पड़ेगा, और जितना ये और वाइस वर्सा हो जाएगा। फर्स्ट मोर इलास्टिक द डिमांड, जितनी ज़्यादा इलास्टिक डिमांड में होगी, इलास्टिसिटी होगी डिमांड में, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप फैक्टर उतना ही छोटा होगा, मतलब जितना छोटा होगा वाइस वर्सा, जितना छोटा होगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सॉरी, जितना ही वैल्यू ब्रैकेट में छोटी होगी उतना ही हमारे पास हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मोर इलास्टिसिटी लोअर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्केट। द सेकेंड थिंग टू नोटिस इज दैट द हायर द मार्जिनल कॉस्ट द हायर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। तो हमारे पास जो हम मैक्सिमाइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं,
तो हमारे पास एक फैक्टर ये भी तो है, एक तो ये ब्रैकेट का फैक्टर है, एक हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का फैक्टर है। जितनी कॉस्ट हमारे पास बढ़ जाएगी तो हमारे पास डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ेगी, तो हमारे पास मार्जिनल जो हमारा प्रॉफिट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनली वैसे ही होता है। अगर 100 रुपये हमारे पास खर्च हो रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, तो हमारे पास अगर 10 रुपये प्रॉफिट है, अगर हम 200 रुपये लगा देंगे तो हमारे पास, अगर 200 रुपये कॉस्ट आएगी तो हमारे पास 20 रुपये, उस पर हम प्रोपोर्शनली परसेंटेज के लिहाज से हम प्रॉफिट मेकिंग करना शुरू कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम 200 रुपये पर या 500 रुपये अगर किसी कॉस्ट आ रही है तब भी हम 10 रुपये ही प्रॉफिट ले रहे होंगे, तो प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ता चला जाता है। और आपको बताऊं कि हमारे पास जो यूजुअली चीज़ें डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स महंगी होती चली जाती हैं, वो एक माइन्यूट से फर्क की वजह से ज़्यादा इसलिए महंगी होती हैं कि दरमियान में जितने लोगों को भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, तो ये सब अपना प्रॉफिट प्रोपोर्शनली बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर होलसेलर कहता है कि मुझे 5% प्रॉफिट लेना है, रिटेलर कहता है मुझे 20% प्रॉफिट लेना है। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये कर दी है, तो हर एक का प्रोपोर्शनली प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो वो 100 रुपये की चीज़ एक्चुअली मार्केट में 200 की नहीं भी बिकेगी, वो काफ़ी ज़्यादा की आगे जाके बिक रही है। तो इसलिए महंगाई एकदम से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, बहुत माइन्यूट सा फर्क भी एक बड़ा फर्क लेकर आ जाता है। वन के वीट दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन अप्लाइंग द मार्कअप फॉर्मूला इज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे चेंज व्हेन यू ऑल्टर द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। एक क्यूबिट मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला या रूल या हमारे पास एक परफेक्ट चीज़ ये भी है जो हम फॉलो करते हैं, दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन अप्लाइंग द मार्कअप फॉर्मूला। ये जो ऊपर मार्कअप फॉर्मूला था, इज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे चेंज व्हेन यू ऑल्टर द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। तो ये हमारे पास कब अप्लाई होगा, जब हम कुछ ऑल्टरेशन कर रहे होंगे अपनी प्राइस, चाहे वो गुड्स की प्राइस है चाहे वो सर्विसेज की प्राइस है, मतलब अब जब हम अपनी प्राइस को ही चेंज कर रहे होंगे तो ये अप्लाई हो रहा होगा, अदरवाइज ये आमतौर पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में तमाम अदर वेरिएबल्स, कंपेटिटर्स तो है नहीं मोनोपोली में, तो हमारे पास अगर तमाम अदर फैक्टर्स सेम हैं तो फिर हमारे पास इस पर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगा। इन मार्जिनल और जूम कर दो जिस तरह से, इन मार्जिनल प्रैक्टिस हाउएवर मेनी प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट बी मेड विदाउट एस्टिमेट ऑफ डिमांड फंक्शन। जो ये हम मार्जिनल की आमतौर पर प्रैक्टिस देखते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे टेक्निक्स, ऐसा होगा तो वैसे हो जाएगा, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें, प्रैक्टिस में देखें, तो बहुत सी सिचुएशंस में बहुत से लोग इतने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की तरह के लर्नर्ड लोग नहीं होते, और वो इकोनॉमिक्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो अपनी प्राइसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा है तो मुझे प्राइस ये कर देनी चाहिए, वो हो रहा तो ये कर देनी चाहिए, मतलब वो आमतौर पर एक हिट एंड ट्रायल मेथड्स की तरफ भी जा रहे होते हैं, या फिर वो अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस और तजुर्बात जो उनके होते हैं उनकी वजह से भी वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इन मैनेजेरियल प्रैक्टिस हाउएवर मेनी प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट बी मेड विदाउट एस्टिमेट्स ऑफ डिमांड फंक्शन। बहुत सी डिमांड फंक्शन को देखे बगैर ही हो रही होती है। इफ द ओनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज अ न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप फॉर्मूला मे बी यूज टू अप्रोक्सीमेट द ऑप्टिमल मार्कअप एंड प्राइस। तो जब हमारे पास ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अवेलेबल हो और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजेशन करना चाह रहे हों, तो फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्मूला और इन तमाम मार्केट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें देखकर उसको आगे लेकर चलना चाहिए। राइट, सो ये हमें बता दिया गया है, और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 11-2 आ रही है। इसमें लिखा है क्लास, इसको पढ़ते हैं, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, अभी फॉरवर्ड आपको समझ में आ जाएगी। द मैनेजर ऑफ कन्वीनियंस स्टोर, ये कन्वीनियंस स्टोर इसी तरह से होते हैं जैसे आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं या हमारे पास सुपर मार्केट्स होती हैं जो ग्रॉसरी और इस तरह की चीज़ों पर बात कर रही होती हैं, जो डेली लाइफ की रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं। द
मैनेजर ऑफ अ कन्वीनियंस स्टोर कम्पीट्स इन अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव मार्केट, ठीक है, एंड बाइस कोला फ्रॉम अ सप्लायर एट अ प्राइस ऑफ डॉलर 1.25 पर लीटर। ये अपने सप्लायर से 1.25 पर लीटर पर ही परचेज करता है। द मैनेजर थिंक्स दैट बिकॉज देर आर सेवरल सुपर मार्केट्स नियर बाय द डिमांड फॉर कोला सोल्ड एट हर स्टोर इज स्लाइटली मोर इलास्टिक देन द इलास्टिसिटी फॉर द रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फूड स्टोर रिपोर्टेड इन टेबल 7-3 इन चैप्टर 7 विच इज -3.8। ये चैप्टर 7 में पहले ही बता दिया गया है, इनको हमने शायद देखा होगा, आप जाकर इस टेबल को बाद में भी देख सकते हैं। वहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है, मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई। इस वक्त हमारे पास इन्होंने रेफर कर दिया है कि टेबल 7.3 को आप देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको कोलास के लिए एक वैल्यू दे दी गई है -3.8। ये कितनी इलास्टिक है, क्योंकि नियर बाई फूड स्टोर और भी हैं, तो वहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, लोग वहाँ पर कोलास को इस्तेमाल करेंगे अपने फूड के साथ या नहीं करेंगे। Based on this information, she perceives that the elasticity of demand for cola sold by her store is -4. तो ये -3.8 को देखते हुए इसने राउंड ऑफ कर लिया कि ये मेरे स्टोर पर -4 होना चाहिए elasticity. What price should the manager charge for a liter of cola to maximize profits? अब आपने sentence पढ़ी लिया, सुन लिया कि मैनेजर को क्या प्राइस सेट करनी चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब ये फॉर्मूला हमें आप यहाँ बताता है कुछ, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कोला टू द फर्म इज $1.25। अगर 1.25 को आप फ्रैक्शंस में देखें तो ये 5/4 पर लीटर बनता है, 5/4। अगर आप 5/4 इसको आप 1.25 को लिखकर कैलकुलेटर में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 0.25 के आप 5 हिस्से करें तो ये 1.25 बन जाता है। एंड के इज इक्वल टू 4/3। अब ये के फैक्टर आपके पास क्या है, के आपके पास है 4/3। ये आपके पास जो मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ये आपके पास यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूला में देखिए हमारे पास यहाँ पर इसको के कहा जा रहा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपके पास के है, ठीक है, ये आपके पास ये के आपके पास आ रहा है, राइट। आपने देखिए ये देखिए लिखा हुआ के इज इक्वल टू दिस थिंग, द नंबर के कैन बी व्यूड एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्केट फैक्टर, जो ये आपके पास ब्रैकेट में नजर आ रहा है, ये मार्केट फैक्टर ही है ना, तो EF/1+EF, ये हमारे पास के कॉल किया जाता है शॉर्टली। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखने के बजाय इसको के कह दिया। क्लास अगर आप यहाँ पर ये EF, ये जो आपके पास प्राइस थी 1.25, अगर आप 1.25 डिवाइड बाय 1 + 1.25 करेंगे तो आपके पास 4/3 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर 5/3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अबाउट 1.67 पर लीटर, अगर आप 5/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3 का आंसर है 1.67 पर लीटर। तो 1.25 पर लीटर खरीदने के बाद जो इलास्टिसिटी नज़र आ रही है मार्केट में, कितना चेंज आ सकता है और कस्टमर्स ज़्यादा परचेज करें या कम परचेज करें, कितना परचेज कर सकते हैं, ये इसको मिल गया था पहले एक रिसर्च एस्टिमेट से -3.8। इसने -4 उसको राउंडेड किया और देखा कि मेरे पास क्या कुछ आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो -4 आया है, इस -4 को चले आप ले लीजिए, यहाँ पर आप -4 डिवाइड बाई 1 + -4 करेंगे तो आपके पास 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास ये वैल्यू दी गई है ये आपके पास यहाँ पर यूज में आएगी, ये प्राइस है और ये आपके पास ये वैल्यू है जो यहाँ पर दी जा रही है, -4 / 1 - 4। तो -4 का माइनस और नीचे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 स्ट्रेट आपके पास बच जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। तो हमने प्राइस कैलकुलेट कर ली कि प्राइस एक्चुअली होनी क्या चाहिए। इसके बाद है अ सिंपल प्राइसिंग रूल फॉर कॉर्नोट ओलिगोपोली। रिकॉल दैट इन कॉर्नोट ओलिगोपोली देर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था,
फ्यू फर्म्स मार्केट में होती हैं इन द मार्केट सर्विसिंग मैनी कस्टमर्स, तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनको सर्विस करने के लिए ये पढ़ते हैं. द फर्म्स प्रोड्यूस ईदर डिफ्रेंशिएटेड और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, वो या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं या एक ही तरह की होती हैं. एंड ईच फर्म बिलीव्स राइवल्स विल होल्ड देयर आउटपुट कॉन्स्टेंट इफ इट चेंजेस इट्स ओन आउटपुट. और इसमें खास बात यह होती है कॉर्नर ऑलिगोपोली में कि वो अकेला या चंद जो वहाँ पर होते हैं एक ही तरह की या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट की जा रही होती हैं, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो बाकी कंपेटिटर्स अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही रखेंगे जितनी अभी मौजूदा अभी करंट आउटपुट उनकी चल रही है, वो उसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा. ये बिल्कुल वही बात है कि इस वक्त हम उस डिबेट में नहीं जा रहे कि एक्चुअली रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइस चेंज करने से जब मार्केट में फर्क पड़ना शुरू हो और होगा तो हो सकता है कि कंपेटिटर्स भी अपनी अपनी कंसर्न चीज़ों को चेंज कर दें. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्कूल में पढ़ा करते थे कि जब आप फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस करते थे और आप कुछ कैलकुलेशंस करते थे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और बहुत और स्पीड वगैरह को चेक किया करते थे, तो आप एक बात उसको आपको बताई जाती थी कीपिंग ग्रेविटी कॉन्स्टेंट या कीपिंग अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट, तो वहाँ पर जितने भी अदर फैक्टर्स होते थे उनको कॉन्स्टेंट कर लिया जाता था ताकि समझने के लिए उस वक्त वो कॉम्प्लिकेशंस दरमियान में इन्वॉल्व ना हो. तो यहाँ भी आपको इसी तरह से बता दिया जा रहा है कि किस तरह से कीपिंग अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट, तो फिर हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा. फिर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप फॉर कॉर्नोट ओलिगोपोली. ऊपर मोनोपोली की बात हो रही थी, यहाँ पर ओलिगोपोली की बात हो रही है. इफ देर आर एन आइडेंटिकल फर्म्स हमारे पास अगर हैं इन अ कॉर्नोट ओलिगोपोली, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म द मैक्सिमाइजिंग प्राइस फॉर अ फर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारे पास ये होगा. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बिजनेस से चेंज हो गया. वेयर एन इज द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ईएम इज द मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एमसी इज द मार्जिनल कॉस्ट. तो ये उसी तरह का ही फॉर्मेट का एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया. अब हम देखते हैं कि हमसे हमें इससे रिलेटेड क्या मिलता है और हम इसमें किस तरह से ये इसमें आपको पता है कि ये कुछ इसके कैलकुलस ऑल्टरनेटिव्स नज़र आ रहे होते हैं कि हम मैथमेटिकली इसको किस तरह से देख रहे हैं. कुछ फार्मूला की डेरिवेशन भी यहाँ पर आपको बताई जा रही होती है, कुछ डेरिवेटिव्स लेकर भी बताया जा रहा होता है कि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा. तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और जो ऊपर आपको फार्मूला समराइज करके दे दिया गया है हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेटिव होता है कि अगर हम कैलकुलस में देखें तो हमें क्या नज़र आता है. और आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है ई एफ, अभी हम प्रीवियस फॉर्मूला में देख रहे थे ई एफ और यहाँ पे हम देख रहे हैं ई एम. ठीक है, ई एफ में भी एन साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन हमें नजर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे वन फर्म थी, तो मोनोपोली में तो वन फर्म होती है. यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ई एम इफ एन इज इक्वल टू वन मोनोपोली, तो यहाँ पर जब वन ई एफ होता तो वो ई एफ ही रहता क्योंकि वन मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता, तो इसलिए वहाँ पर वन जानबूझ के नहीं लिखा. अगर लिखते तो वो यही फार्मूला बन जाता. तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों फार्मूलाज एक ही हैं जिसमें मोनोपोली में वन लिख देंगे और ओलिगोपोली में अगर दो फर्म्स हैं या तीन फर्म्स हैं तो हम उसको वो लिख देंगे. जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एन इज इक्वल टू टू कॉर्नोट ड्यूपोली मोनोपोली ड्यूपोली, मोनोपोली में मोनो एक और ड्यू में दो, तो हमारे पास जब दो फॉर्म्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, अगर फोर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे फोर लिख देंगे. तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बता दिया गया. इसके बाद अब ये इनफाइनाइट फॉर्म्स भी हो सकती हैं हमारे पास. ठीक है, तो उसको फिर हम कैपिटल एन से रेफर कर लिया करते हैं. अब प्लस हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर और आ रही है, इसको भी देखते हैं. सपोज थ्री फॉर्म्स कम्पीट इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट कॉर्नोट इंडस्ट्री, एक ही तरह की प्रोडक्ट पर में तीन फर्म्स अगर कॉम्पीट कर रही हैं द मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज -2. अब ये हमारे पास वो जो अभी बताया गया था चैप्टर 7 में टेबल 7.3 मौजूद है, तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटीज बता दी गई हैं. तो डिमांड इलास्टिसिटीज का वो टेबल है जिसमें
फूड और बेवरेजेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बता दिया गया है, तो वहाँ से ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू को लिया वहां से, और इन ईच फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज $50। तो हमारे पास द ईच फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ये तमाम ये जो तीनों थ्री फर्म्स लिखा हुआ था ना, तो ये तीनों फर्म्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक ही तरह से आ रही है $50। वॉट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, तो यहाँ पर देखना है कि प्राइस कौन सी सेट करनी है। तो इनकी कॉस्ट तो इतनी आ रही है, अब यहाँ पर ये यह हमने -2 ले लिया, जैसे आपको मैं ऊपर बता रहा था ना 4/3 कहाँ से आया, तो वहाँ पे -4 लिया गया था। तो पहले मैं उसी के बाद कर देता हूँ, -4 यहाँ लिखा होता 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता मोनोपोली कंपनी मोनोपोली इंडस्ट्री की वजह से, और नीचे लिखा होता 1 + 1 × -4 लिखा हुआ होता। तो यहाँ से -4 आ जाता आपके पास, 1 - 4 - 3 आ जाता, तो 4/3 -- कैंसिल हो जाता, इसलिए 4/3 वहाँ पे इस तरह से आ रहा था। वो के वैल्यू वहाँ पे जो बताई जा रही है वो किस तरह से होगी, तो के वैल्यू आपके पास आ रही है क्योंकि थ्री फर्म्स हैं और -2 हमारे पास यहाँ पर बता दिया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे पास है वो -2 है। ठीक है, प्लस ये जो डिमांड जा रही होती है ना वो इस तरह से देखी जा रही होती है कि हमारे पास प्राइस से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इसी तरह से होता है कि हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये एक ऐसा मेजर होता है जिसमें हम ये चेंज देखते हैं कि क्वांटिटी परचेज जो की जा रही है उसका प्राइस से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हम न्यूमरेटर में ऊपर लिखते हैं क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में नीचे लिखते हैं प्राइस, और हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास जितनी क्वांटिटी थी जितनी प्राइस हमारे पास है उससे क्या फ़र्क पड़ा, पहले क्या क्वांटिटी और प्राइस थी, अब हमारे पास क्वांटिटी या क्या प्राइस हो सकती है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। तो इस चेंज को ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी। वो जो आज हम शुरू में बात कर रहे थे कि कम चेंज आ रहा है या ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी -2, वो दो क्वांटिटी 2 times कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ऊपर जो हमने अभी -4 पढ़ा था एग्जांपल में, उसका मतलब ये था कि अगर प्राइस में एक चेंज आएगा तो क्वांटिटी -4 हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि क्वांटिटी -4 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला इस तरह से होता है। तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब पहले से एनालिसिस कर लिया और उसको देख लिया, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब प्लस यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपको पता चली गया कि इसको हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमें नज़र आ गया 3 × -2 और 1 + 3 × -2। तो जब हमने कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, ये आपके पास आ गया -6 आ गया, और नीचे भी -6 है यहाँ पर 1 + तो 1 - 6 तो -5 आ जाएगा, तो -- कैंसिल 6/5। तो जब 6/5 को आप चले 6/5 आपके पास आ गया, 5 को आपने 50 से कैंसिल किया तो यह 10 आ गया, तो न्यूमरेटर में 6 था तो 6 × 5 = 60 आपके पास स्ट्रेट आंसर आ गया। अगर आप वर्बल कैलकुलेशन करना चाहें तो वर्बल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, और अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से करेंगे तब भी आपके पास आंसर $60 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो बेहतर प्राइस है इन तीनों कंपनीज के लिए जिस पर वो सेट कर लें, अब आपके माइंड में तभी आ रहा होगा कि हम अगर अपनी कंपनी के लिए बात कर रहे हैं तो हम और दूसरी कंपनीज के लिए प्राइस क्यों सेट करना चाह रहे हैं। ये आपको बताऊं कि रियल लाइफ में ये बहुत जगह ऐसी बात हमें नजर आती है। ये बड़े लेवल पे भी नजर आती है और बहुत छोटे लेवल पे नजर आती है। पहले हम बड़े लेवल की बात कर लेते हैं। आप बहुत दफा देखते हैं कि हमें जब रमज़ान शुरू होता है या कभी सर्दी आ रही होती है या गर्मी आ रही होती है, तो जब मौसम में कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें कई दफ़ा कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइसेस में चेंज नज़र आता है, कुछ ऑफर्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी दफ़ा तो ये कंपनीज अलग अलग काम करती हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा आपको नहीं पता कि बहुत सी कंपनीज दुनिया में ये ट्रेंड है कि वो अपने म्यूचुअल डिसीजंस लेते हैं
और मिलकर डिसीजंस लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हम हैं तो अलग अलग कंपनीज, ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा प्राइस कम कर दूँ तो तुम्हें भी नुकसान हो, मुझे भी नुकसान हो। तो हम इतनी प्राइस को कम करते हैं, कुछ स्कीम्स लॉन्च करते हैं ताकि लोग हमारी कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा भी लें। हम इतना उसमें चेंज लेकर आएंगे कि उसमें 1, 2, 3, 4 रुपये का फ़र्क नज़र आएगा बस। ये हम अपने ऊपर देख लेते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें लेकर नहीं आएंगे ताकि हमें हम में से किसी को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे कस्टमर्स कम ना हो जाएं और वो दूसरे ड्रिंक की तरफ ना चले जाए। तो ये वो खुद से ऐसे काम कर रहे होते हैं। हमें ऐसी बातें बहुत से दफ़ा प्रॉपर्टी डीलर्स के पास भी नज़र आती हैं। हम कभी कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो वो बहुत से डीलर्स अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस, जो भी उनके पास प्रोडक्ट हो सकती है, ऑफिसेस, लैंड या कोई घर या कोई दुकान, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए वो सेट कर लेते हैं यार कि हमें इससे कम में नहीं देना, नहीं तो हमें तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से और छोटे की बात कर लीजिए, हमारे पास बहुत से ठेले वाले होते हैं। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ उनकी, क्योंकि वो बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स होती हैं। वो पढ़े लिखे इंसान बिल्कुल नहीं होते, लेकिन बड़े समझदारी से और इसी तरह से जो हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे होते हैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद वो वहाँ पर बगैर पढ़े लिखे काम कर रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कि सारा दिन हमने जो भी प्राइस सेट करनी थी वो हमने कर ली, सेल कर दिया। अब इस पर शाम का वक्त हो रहा है, लोग अब कम खरीदेंगे हमारे सब्जी या फल को, जितनी जितनी शाम होती चली जाएगी, रात होती चली जाएगी। तो वो कहते हैं यार कि हमें नुकसान भी ना हो, तो ऐसा ना हो कि हम में से कोई एक बहुत कम प्राइस सेट कर ले और सब उसे लेके चले जाए और फिर हम बाकी बाकी रह जाएं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यार इसको प्राइस को कम करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं करते। तो वो अंदाजन कर लेते हैं कि हमने सुबह जब हम मंडी से लेकर आए थे तो हमने कितने का खरीदा था और हम उसको हमने दिन में प्रॉफिट इतना कमा लिया है। तो अगर हमारे पास इतना भी आ जाए कि इस वक्त हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी इसको सेल सेल कर दें, तो हमारा ये आइटम ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, ख़राब भी नहीं होगा और ये चलता रहेगा, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट्स सेल भी हो जाएंगी। तो इस तरह से वो इन चीज़ों को देखते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स सेल भी हो जाएं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनीज किस तरह से इन सब कैलकुलेशन को लेकर आ रही हैं, क्योंकि देखें छोटी जो छोटा बिजनेस है उसमें अगर हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम किया जाता है तो उस पर कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, मतलब कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कम हो गया, लॉसेस हो गए, तो कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स पता भी होते हैं, तो हम उनको देख कर इसलिए चलते हैं क्योंकि अगर नहीं चलेंगे तो हमारे लॉसेस एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, फ्लक्चुएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हमारे पास ये कुछ और भी चंद बातें यहाँ पे की जा रही हैं, इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास है टॉपिक स्ट्रेटजीज दैट यील्ड इवन ग्रेटर प्रॉफिट्स। हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं जो हमें मजीद बेहतर प्रॉफिट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। एक तो हमने ऊपर स्ट्रेटजी पढ़ ली, अब हम यहाँ पढ़ते हैं इन सम मार्केट्स मैनेजर्स कैन एनहेंस प्रॉफिट्स अबव दोज दे वुड अर्न बाय सिंपली चार्जिंग अ सिंगल पर यूनिट प्राइस टू ऑल कस्टमर्स। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि कुछ और टेक्निक्स से हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे एक ही तरह के चार्जेस ले रहे होते हैं, प्राइस वो रखते हैं, तो वो भी तरीका होता है, लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज कर दें तो उससे भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। अभी हम पढ़ते हैं, आपको बात बताऊँ क्लास के, एक जहाज़ फ्लाई करता है उसमें फॉर एग्जाम्पल 500 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सीधी राउंडेड फिगर करने के लिए। हम उसमें देखते हैं कि एक छोटा जहाज है उसमें 100 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और हर पैसेंजर की फॉर एग्जांपल जो फेयर है जो वो पे कर सकता है वो है उसका फॉर एग्जांपल 20,000। अब जो 20,000 फेयर है तो अब जहाज को 20,000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 20,000, 20 लाख रुपए बन जाएंगे। तो 20 लाख रुपए में एक फ्लाइट फ्लाई करेगी। अब 20,000 पे करने वाले कितने लोग होंगे, मतलब पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे? डेफिनेटली चंद लोग होंगे जो 20,000 की प्राइस पे कर रहे होंगे। तो वो एक टेक्निक प्ले करते हैं, तो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक इकोनॉमी क्लास बना लेते हैं और एक फ्रंट पे हम कुछ बिजनेस क्लास, जहाँ पे हम थोड़ा सा लग्जरी सीट्स और उनको थोड़े एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, कुछ उनको खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, थोड़ा ज़्यादा कुछ कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और लोग समझेंगे यार कि हमारे तो बिजनेस क्लास में ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि
बाकी तमाम के फॉर एग्जाम्पल 20,000 से कम करके 18,000 कर दें या 17,000 कर दें, 3-3,000 हम कम कर दें, और जो बिजनेस क्लास के हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20 पैसेंजर्स की जगह है, तो हमने 80 के तो 3-3,000 रुपये कम कर दिए, तो हमने वहाँ से 324 हमने 2,40,000 रुपये कम कर दिए। तो ये 2,40,000 के बजाय 3 लाख उन 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनकी 4,000 रुपये प्राइसेस बढ़ा दो, इनका 17,000 टिकट हो जाएगा, उनका फॉर एग्जाम्पल 24 या 25,000 कर दो। अब लोग जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो अपना ऑनर समझते हैं कि यार हमें इकोनॉमी में नहीं बैठना, हमें जनरल पब्लिक के साथ नहीं बैठना, हम बिजनेस क्लास के साथ जा रहे हैं, हम थोड़ा अलग होकर बैठेंगे, हम एलीट क्लास हैं, तो उनको पैसा खर्च करना भी ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से जो 100 सीट्स के 20,000 के हिसाब से 20 लाख रुपए इकट्ठे होने थे, वो इस वक्त शायद 24 से 25 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे होंगे उस एयरलाइन को। तो ये उसके पास प्रॉफिट और अच्छा आ गया। लेकिन उसने एक और काम भी किया, उसने एक और काम ये किया कि उसने अपने जो जनरल पॉपुलेशन थी वहां से अपने कस्टमर्स भी बढ़ा लिए। जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी 20,000 के टिकट पर नहीं थी, अब वो अपनी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब वो प्राइस 3,000 कम हो गई। जब 3,000 पर टिकट कम हो जाएगा तो उनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो इस तरह से वो अपने आप को ज़्यादातर बाई एयर जाने को प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टेक्निक्स भी आप अब यहाँ पर देखेंगे। एक्सट्रैक्टिंग सरप्लस फ्रॉम कस्टमर्स, तो हम अपने कस्टमर्स से सरप्लस जो भी उनके पास है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी आपके पास बात थी कि एलीट क्लास के लिए जो बिजनेस क्लास बना दी गई जहाज में, तो उसमें देखा कि एलीट कितने लोग हैं और कितना वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, तो ये उनके पास सरप्लस है, तो उनको इस तरह से थोड़ी सी अच्छी चीज़ दो, फैसिलिटीज दो, कंफर्टेबिलिटी दो वहाँ पर, और उनसे वो चीज़ें निकाल ले लो। इस तरह से ये हमारे पास टेक्निक्स आ जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या नजर आता है। यहाँ लिखा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो आपको मैं भी बता रहा था एयरलाइन की एग्जाम्पल, वो भी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर और डिटेल्स भी हैं वहाँ भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं इसको, देखते हैं हमारे पास क्या कुछ गिवन है, क्या दिया हुआ है। तो क्लास लिखा हुआ है समटाइम्स हाउएवर फर्म्स कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, अ स्ट्रेटजी रेफर्ड टू एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस चेंज कर देते हैं और उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, उसमें प्राइस को चेंज किया, उसमें उसको हायर प्राइस हायर चार्ज कर दिया। द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर एग्जामिन्ड नेक्स्ट। तो अभी हम उनको जाके देखते हैं कि ये तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। द फर्स्ट वुड लाइक टू एंगेज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्ज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस ही और शी वुड बी विलिंग टू पे फॉर ईच यूनिट ऑफ अ गुड परचेज्ड। जैसे आपको मैं 20,000 बता रहा था कि एयरलाइन का टिकट, अब 20,000 एयरलाइन के टिकट है, तो उन्होंने कहा यार कि अगर हमने 20,500 या 21,000 या 22,000 टिकट कर दिया तो बहुत से लोग परचेज नहीं करेंगे, तो हम सबसे, क्योंकि एक ही तरह का टिकट चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बस 20,000 रखो, नहीं तो फिर हमारे पास कस्टमर्स कम हो जाएंगे और हमारे पास सेल्स कम हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे एक ही तरह से चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद ये मैंने अंडरलाइन किया जो हम सपोर्ट के लिए पढ़ सकते हैं। नेवर द लेस सम सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस इंक्लूडिंग कार डीलर्स, मैकेनिक्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स सक्सेसफुली प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो सबसे एक ही तरह से ही मतलब प्राइस ले रहे होते हैं, जो प्राइस है वो उससे सबसे एक ही तरह से ही ले रहे होते हैं, कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात करनी होगी कि ये है फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिगर 11.1 या नीचे भी लिखा हुआ है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ये $10 प्राइस हमारे पास है और हमारे पास एक डिमांड कर्व है, यहाँ पे डी तक आ रहा है, क्वांटिटी आपके पास एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर $4 इसकी एवरेज प्राइस है, तो हमारे पास 45 सेल हो रही है, और अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा रखना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से आ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर का जितना एरिया है ये सब हम अपने सरप्लस, अपने कस्टमर्स से सरप्लस निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने कस्टमर्स से सरप्लस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई भी हम प्राइस सेट कर रहे तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक मैक्सिमम, इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहाँ तक इनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वही यहाँ पर एक ये कर्व दिया गया है मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारे पास ये बता दिया गया। अब प्लस हमारे पास यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर हम ये प्राइस यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर हम प्राइस थोड़ी सी कम रखेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस इक्विलिब्रियम प्राइस के रेस्पेक्ट। तो ये जो ब्लू कलर के एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं इनके प्रॉफिट से रिलेटेड, तो 5.20 या 7.60, तो ये हमारे पास ये एरिया है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ले जाएगा और हम अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों में रहते हुए। ठीक है, तो हम ज़्यादा प्राइस कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कम सेल होगी और कम प्राइस कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और इक्विलिब्रियम प्राइस तो आप देख ही चुके हैं कि हमारे पास ये प्राइस यहाँ पर थी। फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्दर कि इन सिचुएशंस वेयर द फर्म डज नॉट नो द मैक्सिमम प्राइस दैट ईच कस्टमर विल पे फॉर गुड, बहुत दफ़ा कंपनी को पता नहीं होता है, और वेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू पोस्ट अ कंटिन्यूस शेड्यूल ऑफ प्राइसेस फॉर ईच इंक्रीमेंटल यूनिट परचेस्ड। तो पहले से ये भी नहीं बताया जा सकता कि हमारे पास हर दफ़ा जो प्राइस चेंज होगी वो कितनी प्राइस आइंदा चेंज होती रहेगी। अ फर्म माइट बी एबल टू एम्प्लॉय सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ द सरप्लस फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता ये है कि वो कुछ माइन्यूट से चेंजेस कर देते हैं और उसकी वजह से वो सरप्लस अपने कंज्यूमर्स के निकालने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अब आपको बता रहा था कि 17,000 प्राइस कर दी 20,000 के बजाय इकोनॉमिक क्लास में बाय एयर ट्रेवल करने पर, और 24,000 कर दी फॉर एग्जांपल बिजनेस क्लास की। वो जब प्राइस रिवाइज करेंगे तो हो सकता है वो देखेंगे कि हम जो इकोनॉमिक क्लास है उसको हमने सिर्फ बढ़ाया 500 रुपया, 17,000 से 17,500 कर दिया, लेकिन हमने बिजनेस क्लास में 1,000 का फ़र्क कर दिया या 1,500 का फ़र्क कर दिया, 24,000 के बजाय 25,000 या 25,500 रुपये हमने प्राइस कर दी, तो उस तरह से उनको और ज़्यादा फ़र्क नज़र आ गया, तो उन्होंने प्राइस चेंज किया। ऐसा नहीं कि बिजनेस क्लास का उन्होंने थोड़ा सा बाहर से बढ़ाया, ज़्यादा यहाँ से बढ़ा दिया ताकि लोगों को नज़र आए कि प्राइसेस कुछ बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने देखा ये था कि वो बिजनेस क्लास या एलीट क्लास से ज़्यादा सरप्लस निकाल सकते हैं, तो उन्होंने प्राइस चेंज की, इकोनॉमिक क्लास की कम और बिजनेस क्लास की ज़्यादा निकाल दी। सेकेंड डिग्री आगे लिखा हुआ है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ पोस्टिंग अ डिस्क्रीट शेड्यूल ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पर सेकेंड डिग्री में कुछ क्वांटिटीज को कम करने के लिए भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास बात आती है, द फाइनल टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉमनली प्रैक्टिस बाय फर्म्स दैट रिकॉग्नाइज दैट द डिमांड फॉर दैट फॉर देयर प्रोडक्ट डिफर्स सिस्टमैटिकली अक्रॉस कंज्यूमर्स इन डिफरेंट डेमोक्रेटिक ग्रुप्स। ये जो आपको मैं जहाँ से एग्जाम्पल बता रहा था वो अप्रोप्रिएट यहाँ पर ज़्यादा होगी। ऊपर हमने जो सेकेंड की बात की है वहाँ पर हमारे पास उस किसी प्राइस किसी डिमांड को कम करने के लिए वो बात की जा सकती है। अगर हमारे पास हम किसी चीज़ की डिमांड कम करना चाहते हैं तो उसमें हम वो प्राइसेस जो आपके पास थी जो हमने सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री का कर्व देखा था मैं उसको करके बता देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर था कि अगर हम इस प्राइस से थोड़ा कम कर रहे हैं, $4 हमारे पास थी एक इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर हमने यहाँ से इसको 5.25 किया तो हमारे पास कुछ कम हो जाएगी क्वांटिटी, डिमांड कम हो जाएगी, और हमने इसको 7.60 कर दिया तो ये और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कम करने की तरफ जा रही है बात। लेकिन अगर हम थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो ये जहाज़ वाले एग्जांपल जो आपको मैं बता रहा था वो आपको अप्रोप्रिएटली यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफिक जहाँ पर हम इनकम और इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं डेमोग्राफिक ग्रुप्स की बात इन्वॉल्व हो जाएगी। इन दीज इंस्टेंसेस इन दीज एग्जाम्पल्स मतलब फर्म्स कैन प्रॉफिट बाई चार्जिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ट्रेवल सबने करना है लेकिन उसमें उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स से डिफरेंट प्राइसेस डिमांड कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस दे दी उनको। ठीक है, जैसे कभी आप देखते हैं कि आपके पास
एक कार है जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास XLI कार है, ये GLI है, एक नॉर्मल है, ये हमारे पास उसके एक स्पेशल एडिशन है। तो अगर एक कार हमारे पास है मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए की और दूसरी में चंद चीज़ें चेंज कर दी जो आप समझते हैं कि लाखों रुपए का चेंज नहीं है, उसमें एकदम से 25 के बजाय 20 लाख रुपए प्राइस कर दी जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 25 लाख की कार है और जो 30 लाख की कार कर दिया उसका एक दूसरा वेरिएंट, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, तो बहुत लोग उसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन जो कुछ एलीट क्लास के लोग होते हैं दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने कार ली है उसी तरह की, लेकिन हमने थोड़ी डिफरेंट ली है, हमने 30 लाख वाली कार ली। तो हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई होती, 1-1.5 लाख रुपए की चीज़ें लगाकर वो प्राइस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स से वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो भी वहाँ पर था वो निकाल सके। अ स्ट्रेटजी रेफर टू एज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको मैंने एयरलाइन की एग्जांपल भी बता दी और कार की एग्जांपल भी बता दी, तो आपको इसी बात समझ में आ गई। फिर डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं और इनकी फार्मूलाज की जो एप्लीकेशन हमें नज़र आती है वो फिर हमें जाकर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 11.4 में नज़र आ रही है। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर ये हमारे पास ये बस यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल जाएगी और फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आगे क्या चीज़ होगी। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम हमारे पास है 11.4। You are the manager of a pizzeria. Pizzeria मतलब पिज़्ज़ा जो भी सेल होता है। You are the manager of a pizzeria that produces at a marginal cost of $6 per pizza. The pizzeria is a local monopoly near campus. There are no other restaurants or food stores within 500 miles. During a day, only students eat at your restaurant. In the evening, while students are studying, faculty members eat there. If students have an elasticity of demand for pizza of -4 and the faculty has an elasticity of demand of -2, what should your pricing policy be to maximize profits? So, agar price mein ek change kiya jayega to students usko -4 ki taraf leke chale jayenge, kam kar denge 4 times. और अगर एक प्राइस का चेंज यहाँ पर भी किया गया तो फैकल्टी मेंबर्स आमतौर पर सिर्फ 2 times उससे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, 2 times उनकी डिमांड कम होगी, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड 4 times कम हो जाएगी। तो इन बातों को देखते हुए किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइसिंग पॉलिसी पर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है एज्यूमिंग फैकल्टी वुड बी अनविलिंग टू परचेज कोल्ड पिज्जास फ्रॉम स्टूडेंट्स, द कंडीशंस फॉर इफेक्टिव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होल्ड। अच्छा, हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर आ जाए, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूलाज देखते हैं कि हमारे पास प्राइस हमारे पास जो ये PL दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है PL इज PL ऑन द लंच मेन्यू, तो ये लंच के लिए PL कर दिया गया है और PD इज फॉर डिनर मेन्यू। ठीक है, तो हमें लंच और डिनर में क्या नज़र आता है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है यही फॉर्मूला जिसमें EL और EL बात कर दी गई है, यहाँ पर हमारे पास ये बात कर दी गई है। अब प्लस हमारे पास जो जो प्राइस है वो हम मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी ना पहले, हमारे पास प्रॉफिट की बात हो रही थी। अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट ज़ीरो हो, प्रॉफिट अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू दिस, तो हमने यहाँ पर इसको प्रॉफिट अगर वन हो तो यहाँ से इस जो यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर इस तरफ आ गया। अब आप यहाँ पर ये यह देख रहे हैं कि जो ये फॉर्मूला है ये एक्चुअली इसकी सारी डेरिवेशन यहाँ पर थी, तो इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की तरफ हम दोबारा से नहीं जा रहे, नहीं तो सारी कॉम्प्लिकेशन पे आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि आपके पास ये किस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला से ड्राइव करते रहे। ठीक है, तो फॉर्मूला डेरिवेशन आपके पास यहाँ पर आती थी, तो हम फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ इस वक्त नहीं जा रहे। तो प्लस हमारे पास यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉर्मूला की तरफ आते हैं कि PL और ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ED हमारे पास है -2 जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और EL हमारे पास है -4 जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर PL और PD कैलकुलेट करने के लिए जब आपको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो करते करते आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगा। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यील्ड्स PL इज इक्वल टू $8 एंड PD इज इक्वल टू $12। तो इसका मतलब अगर ये लोग अपनी प्राइस में इस तरह से चेंज करें कि लंच टाइमिंग में जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो
उस वक्त वो $8 रखें, और इवनिंग में जहाँ जब फैकल्टी मेंबर्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पे कर सकते हैं कंपैरेटिवली, तो उनके लिए $12 कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर देखा गया था कि इलास्टिसिटी कम है फैकल्टी के टाइमिंग्स में, तो इन्होंने डिनर टाइमिंग्स के लिए ये प्राइस सेट कर दी और लंच के लिए ये प्राइस सेट कर दी। दस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स यू शुड प्राइस अ पिज्ज़ा ऑन द लंच मेन्यू एट $8 एंड अ पिज्जा ऑन द डिनर मेन्यू एट $12। सिंस स्टूडेंट्स हैव अ मोर इलास्टिक डिमांड, वो जाके पास -4 पे जा रहा है, प्राइस पे एक चेंज होगा और स्टूडेंट्स 4 डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, तो ज्यादा हो गई ना -2 कंपैरेटिवली फॉर पिज्जा देन डू फैकल्टी मेंबर्स, दे शुड बी चार्ज अ लोअर प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स की क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो इसलिए उनसे ये प्राइस सेट की गई ताकि उनसे प्रॉफिट ज्यादा बनाया जा सके, ठीक है, और कुछ चेंज यहाँ पर लेकर आ गए। इसके बाद क्लास हमारे पास बात शुरू हो रही है टू पार्ट प्राइसिंग की, ठीक है, और मैं आपको इसको बताऊं कि अनदर स्ट्रेटजी दैट फर्म्स विद मार्केट पावर कैन यूज टू एनहांस प्रॉफिट्स इज टू पावर प्राइसिंग। विद टू पार्ट प्राइसिंग इज अ फर्म चार्जेस अ फिक्स्ड फी फॉर द राइट टू परचेज इट्स गुड प्लस अ पर यूनिट चार्ज फॉर ईच यूनिट परचेज। तो वो पहले कहते हैं कि हमने कुछ फिक्स प्राइस दे दी कर दी है कि आप भी कुछ परचेज करेंगे तो इतना होगा, फिर आप जितने यूनिट्स उसमें ऐड करते चले जाएंगे फिर आपको पर यूनिट ये पे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो इस प्राइस को कहते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। मतलब आपने किसी चीज़ की मेंबरशिप ली तो आपने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये पे कर दिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप 1,000 तो पे कर दिए, अब आप जितने घंटे भी इस्तेमाल उनकी सर्विसेज जैसे जिम हो सकता है या हमारे पास कुछ प्लेइंग एरिया हो सकता है या रिक्रिएशन एरिया हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप जब भी उसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हर दफ़ा आने के लिए। लेकिन आपने 1,000 रुपी की मेंबरशिप ले ली है तो आपने 2 हिस्सों में उसको देखा। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, जो लिखा हुआ ना सारी एग्जाम्पल चल रही है आपके पास यहाँ। इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा खुद देखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी कि इसमें क्या बात हो रही है, तो आप कौन सी प्राइस किस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ रही है, तो उसके लिए फिर हम क्योंकि सर्विसेज दे रहे हैं एवरेज कॉस्ट, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो मोनोपोली प्राइस है वो कुछ हमारे पास ये हो जाएगी इस डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी प्राइस को कम कर देंगे तो हमारे पास ये 8 तक चली जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास इसी डिमांड कर्व के रेस्पेक्ट की बात आ रही है। अब हम अगर इसको चेक करें तो हमें नजर आता है ये स्टैंडर्ड मोनोपोली प्राइसिंग हमारे पास है और हमारे पास टू पार्ट प्राइसिंग हमारे पास आ रही है। इस एग्जाम्पल में जो आप ये सॉल्व करेंगे, ऊपर से जो आपके पास कैलकुलेशन होती नजर आ रही है लिखी हुई है ना, आपको सॉल्व करके देखिएगा, तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस में नजर आ रहा है 8, यहाँ कंज्यूमर सरप्लस नजर आ रहा है 0, सरप्लस 0 हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल इस प्राइस पर आ गया। तो जब भी सरप्लस 0 हो गया तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड फी $32 हमारे प्रॉफिट में चल जा रहा है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो $16 में नजर आ रहे हैं, तो हमारे पास टू पार्ट प्राइसिंग में हमें फायदा नजर आना शुरू हो गया। सिनेरियो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 32 की बात जो की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है, ये पूरी स्टोरी की तरह से है, आपको मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, और इसकी जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको ये फौरन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान से लिखा हुआ है। तो टू पार्ट प्राइसिंग की तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको भी आप यहाँ तक देख लेंगे, और फिर हमारे पास इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, और आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है। सपोज द टोटल मंथली डिमांड फॉर गोल्फ सर्विसेज इज क्यू इज इक्वल टू 20 - P, द मार्जिनल कॉस्ट टू द फर्म ऑफ ईच राउंड इज $1। अब गोल्फ सर्विसेज हैं उसमें बहुत से राउंड्स खेले जाएंगे, तो जो फिक्स प्राइस है वो कुछ ये आ गई, हर दफ़ा खेलने पर ये आ जाएगा, तो यही चीज़ आपके पास यहाँ पर आ रही है। तो ठीक है, इफ इफ
इफ दिस डिमांड फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ 10 गोल्फर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल टू पार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर दिस गोल्फ सर्विस फर्म, हाउ मच प्रॉफिट विल द फर्म अर्न। तो यहाँ पे हमारे पास टू पार्ट प्राइसिंग हमारे पास क्या हो सकती है, द ऑप्टिमल पर यूनिट चार्ज इज मार्जिनल कॉस्ट एट दिस प्राइस 20-1 इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें ये फिक्स प्राइस और ये प्राइस की बात की जा रही है क्वांटिटी को, तो राउंड्स ऑफ अ गोल्फ विल बी प्लेड ईच मंथ 19 लेके जा रहे हैं, द टोटल कंज्यूमर सरप्लस रिसीव्स बाय ऑल 10 गोल्फर्स एट दिस प्राइस इज दस 1/2 20-1 इंटू 19। तो ये 20-1 तो हमारे पास इससे आ गया और ये 19 हमारे पास आ गया कि इस प्राइस को सेट करने से 19 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये 20-1 तो हमारे पास यहाँ पर था प्राइस 1 सेट करके, और जब हम प्राइस को जब हम पुट करेंगे तो ये यहाँ पर अभी एक छोटा सा फॉर्मूला बनना शुरू होता है जो हमारे पास ऊपर यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है ये जो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा था ये वही था। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं कि आपके पास 10-2 और ये 8 आ गया तो ये भी 8 लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ से ऊपर से ये ड्राइव होता हुआ आ रहा है वो जो आप एक्सप्लेनेशन अभी खुद से पढ़ें। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई, तो आपके पास आ गया $180.5। सिंस दिस इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय ऑल 10 कंज्यूमर्स, द ऑप्टिमल फिक्स फी इज द कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल गोल्फर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 गोल्फर्स हमारे पास है तो हमने इसको जब किया तो हमारे पास 18.05 पर मंथ आ गया। Thus, the optimal two-part pricing strategy is for the firm to charge a monthly fee to each golfer is 18.05 plus greens fee of $1 per round. तो ये वो per month ये charge कर रहे हैं और per round $1 charge करेंगे, जितने भी monthly fee pay करेगा golfer $18.05 वो तो हो गई, लेकिन वो एक महीने में एक round play कर रहा है या 10 round play कर रहा है या 20 round play कर रहा है तो उसका हर राउंड का एक डॉलर देता चला जाएगा। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म दस आर 180.5 पर मंथ माइनस द फर्म्स फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करके तो उनकी जो इतनी अर्निंग आ रही है इससे वो लोग अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा कि हमें क्या प्राइस सेट करने में फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये दो हमारे पास चीजें रह गई हैं। ठीक है, इसकी डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है यहाँ पर 11.7 में। तो इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ पे एंड किया, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ तक हमने इसको एंड किया। ओके क्लास, हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं, और मैंने आपको भी बता दिया था कि हमारे पास जो ब्लॉक की बात अभी हो रही है इसको हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम देख लेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक था जो मैंने आपको भी बताया। तो हमने यहाँ तक अभी तक डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम 11-5 तक पढ़ ली है, और उसके बाद ब्लॉक प्राइसिंग है इनको हम देख लेंगे, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उनको देखा जाएगा बाद। ठीक है, राइट, तो हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंडिंग दिस थिंग हियर। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड। मैं रिपीट करता हूँ क्लास, मेरे ख्याल से दरमियान में डिसकंटिन्यूटी हो गई थी। हमारे पास डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम 11.5 हमने यहाँ पर एंड कर दिए, और इसके बाद का टॉपिक हमारे पास है ब्लॉक प्राइसिंग, आपको लिखा नजर आ रहा है नीचे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे आपको, अदरवाइज इसको हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं। ठीक है क्लास, तो मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड।